तो थलापति विजय के बाद अब तमिल इंडस्ट्री से सूर्या आ रहे हैं अपना पैन डे डेब्यूट करने के लिए अपने अपकमिंग फिल्म कंगुआ के साथ। बट क्वेश्चन ये है कि क्या थलापति विजय के जैसा सूर्या भी फेल हो जाएंगे पैन इंडिया स्टारडम कमाने में, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि रजनीकांत सर एंड कमल हासन सर के अलावा एज ऑफ नाउ किसी भी तमिल एक्टर ने कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया पैन इंडिया लेवल पर। शेर अकेला ही आता है। सी कोशिश तो कई सारे तमिल एक्टर्स ने की है एंड अभी भी कर रहे हैं, बट एज सच कोई मेजर सक्सेस अचीव नहीं कर पाया अब तक। अब यहाँ पे मैं पैन इंडिया इम्पैक्ट एंड पैन इंडिया स्टारडम के लिए बेंचमार्क कंसीडर कर रहा हूँ प्रभास एंड यश के स्टारडम को, क्योंकि ट्रू सेंस में अगर किसी ने पैन इंडिया इम्पैक्ट क्रिएट किया एंड पैन इंडिया स्टारडम अचीव किया तो वो ये दोनों ही है। एंड सेम पाथ पर अल्लू अर्जुन भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली पुष्पा 2 के साथ अल्लू अर्जुन भी प्रभास एंड यश वाला स्टेटस अचीव कर लेंगे। एंड अगर सूर्या की बात करें तो सूर्या के पास भी काफी अच्छा चांस है सेम लेवल ऑफ पैन इंडिया स्टारडम अचीव करने का, बट फिलहाल के लिए वो चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स नजर आ रहे हैं जिस वजह से सूर्या का पैन इंडिया डेब्यूट एक फेलियर साबित हो सकता है। सी ऐसा नहीं है कि सूर्या के पास पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है या फिर उनके नेटिव लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज के ऑडियंस उन्हें जानती नहीं है, उनके पास काफी डिसेंट लेवल ऑफ पैन इंडिया प्रेजेंस एंड फैन फॉलोइंग भी है जो कि मेजरली सुरारी पोटरू एंड जय भीम मूवी के बाद मिली है, और ये चीज और मैक्सिमाइज हो गई जब सूर्या विक्रम मूवी में एज रोलेक्स अपीयर हुए, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पर जिनको कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में देखना पसंद है उनके बीच सुरारी पोटरू एंड जय भीम मूवी की वजह से सूर्या को एक्सपोजर मिला, वहीं रोलेक्स के कैरेक्टर की वजह से सूर्या को पैन इंडिया लेवल पर मास ऑडियंस के बीच में भी एक्सपोजर मिला। सो एज ऑफ नाउ सूर्या के पास मास सिनेमा वाली ऑडियंस एंड कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा वाली ऑडियंस दोनों का अटेंशन है, और इस सब होने के बाद भी सूर्या का जो पैन इंडिया डेब्यूट है वो एक फेलियर नजर आ रहा है। और इस बारे में डिटेल में जानने से पहले हम सूर्या की थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं। Both all of us, we all studied in the same school, so we have traveled, you know, together. And we have a lot of memories together. See, Surya के लिए movie industry में enter करना कोई बड़ा challenge नहीं था, since Surya की family already film industry से belong करती थी, क्योंकि Surya Tamil industry की one of the well-known actors शिव कुमार के बेटे हैं, जिस वजह से filmmakers खुद offer लेकर आते थे Surya के पास, एंड वो भी सूर्या के डेब्यूट करने से पहले से ही। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब 1995 में जब डायरेक्टर वसंत अपने अपकमिंग फिल्म आसे का ऑफर लेकर आए थे सूर्या के पास, तो सूर्या ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस टाइम पीरियड में सूर्या फिल्म इंडस्ट्री से कुछ खासा इंप्रेस नहीं थे, और तब वो सिर्फ 20 साल के थे, और उस एज में उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया और वो गए गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इवन उन्होंने वहां के बॉस को ये भी नहीं बताया कि वो शिव कुमार के बेटे हैं, और ये चीज क्लियरली बताती है कि सूर्या को खुद के दम पे कुछ एस्टैब्लिश करना था, तो गारमेंट इंडस्ट्री में सूर्या ने काम करना स्टार्ट किया इस मोटिव से कि उन्हें खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करनी है। एंड लगभग 8 महीने से 3 साल तक उन्होंने काम किया गारमेंट इंडस्ट्री में। फिर धीरे धीरे सूर्या का माइंड चेंज होने लगा बिकॉज सूर्या के पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फंड भी नहीं था जिससे कि वो खुद की कंपनी स्टार्ट करे। उसी दौरान 1997 में डायरेक्टर वसंत सूर्या को एक और फिल्म का ऑफर लेकर आते हैं जिसको खुद मणिरत्नम प्रोड्यूस कर रहे थे अपने प्रोडक्शन हाउस मद्रास टॉकीज के बैनर के अंदर, और वो कहते हैं ना कि यू शुड नेवर रिजेक्ट अ गुड अपॉर्चुनिटी ट्वाइस, तो वैसे ही कुछ सूर्या के साथ हुआ एंड सूर्या ने इस फिल्म के ऑफर को एक्सेप्ट किया, जिस वजह से उनकी डेब्यूट मूवी बनी नेरुक्कु नीर। प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो एडजस्ट कर लेना। और अपनी डेब्यूट मूवी में सूर्या ने थलापति विजय के साथ स्क्रीन शेयर किया था एंड ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस भी थी। एंड इसके बाद से सूर्या का इंटरेस्ट फिल्मों में और ज्यादा बढ़ने लगा एंड वो एक के बाद एक फिल्में करते गए। तो एक टाइम पर जिसे कभी एक्टर बनना ही नहीं था, वहीं आज उन्हें इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में कंसीडर किया जाता है। इवन उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्टर का सुरारी पोटरू मूवी के लिए। सुरारी पोटरू सूर्या गेटिंग नेशनल अवार्ड फॉर मैग्निफिसेंट रोल दैट ही प्ले। आज के टाइम में सूर्या को एज एन आर्टिस्ट काफी अप्रिशिएट किया जाता है, इवन लोग उन्हें पसंद करते हैं उनके फिलोसॉफिकल एंड सोशल वर्क के लिए, और ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि ऑडियंस उनके काम के साथ साथ उन्हें एज अ पर्सन भी पसंद कर रही है, तो जिस वजह से सूर्या अगर कुछ नया भी ट्राई करेंगे तो लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे उस चीज में, जिसका रिजल्ट भी काफी विजिबल है क्योंकि कंगुआ मूवी को लेकर हाइप काफी ज्यादा है ऑडियंस के बीच में। बट शायद मेकर्स उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब कंगुआ मूवी के ट्रेलर का हिंदी डब वर्जन देखोगे तो आप यही बोलोगे कि क्या वाहियात डबिंग की है। और पता नहीं ये किसका क्रिएटिव आइडिया था, लाइक बॉबी देओल ने अपने डायलॉग हिंदी में खुद नहीं बोले, वो भी किसी और डबिंग आर्टिस्ट से डब कराया है। मौत बनकर जाओ और उसके ऊपर चढ़कर उसके खून से भरी खोपड़ियां आरती में ले आओ। सिर्फ पैन इंडिया मूवी है, हर एक्टर को हर लैंग्वेज आती नहीं है, तो सेम एक्टर हर लैंग्वेज अपना वॉइस नहीं देता, बट जो लैंग्वेज आपको आता है अब उस लैंग्वेज में भी अपने कैरेक्टर को अपनी वॉइस नहीं दे रहे हो, विच क्लियरली शोज लैक ऑफ सीरियसनेस, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि हिंदी ऑडियंस का मार्केट 500 करोड़ का पोटेंशियल रखता है। एंड अगर फिल्म मेकर्स मूवी के हिंदी डब वर्जन को लेकर सीरियस नहीं है तो आई डोंट थिंक कि ऑडियंस भी उस फिल्म को सीरियसली लेगी, क्योंकि जिस वे में फिल्म का ट्रीटमेंट होगा ऑडियंस उसी वे में उस फिल्म को देगी।
देखेगी। एंड एक और जो मेजर प्रॉब्लम है वो हिंदी डब वर्जन के थिएटरिकल रिलीज को लेकर है। बेसिकली कई सारी पैन इंडिया फिल्मों का हिंदी डब वर्जन नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज ही नहीं होती है। बेसिकली नेशनल मल्टीप्लेक्सेस का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि वो फिल्म के हिंदी डब वर्जन को थिएटरिकल रिलीज के 8 हफ्ते के बाद ही ओटीटी पे रिलीज कर सकते हो। बिकॉज जितनी जल्दी फिल्म ओटीटी पे रिलीज होती है उससे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं कई सारी साउथ की पैन इंडिया फिल्म का ऑलरेडी ओटीटी डील हो चुका होता है एंड उनका विंडो नियरली 30 डेज का होता है। बेसिकली फिल्म के थिएटरिकल रिलीज के 30 दिन के अंदर ही वो फिल्म को ओटीटी पे अवेलेबल कर देंगे, जिस वजह से ऐसी पैन इंडिया फिल्म नेशनल मल्टीप्लेक्सेस के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है एंड कोई म्यूचुअल डिसीजन पे ना आने की वजह से ऐसी पैन इंडिया फिल्मों के हिंदी डब वर्जन को मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज नहीं मिलता है। एंड यही सेम चीज हमने थलापति विजय की लियो मूवी के साथ भी देखा था, लाइक फिल्म के हिंदी वर्जन को मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज नहीं मिला था एंड वही सेम चीज उनकी लेटेस्ट फिल्म गोट के साथ भी हो रहा है। गांधी खुद भेष बदल कर आया, फिल्म के हिंदी डब वर्जन को मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज ही नहीं मिला है, जिस वजह से अगर फिल्म अच्छी भी होगी तो काफी सारा पोटेंशियल लूज कर देती है हिंदी मार्केट में कलेक्शन करने का, क्योंकि बहुत कम ऐसी ऑडियंस होती है जो आउट ऑफ द वे जाकर देखेगी फिल्म। मिस लंबा ट्रैवल करके फिल्म देखने जा रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि ऐसी पैन इंडिया मूवीज के मेकर हिंदी ऑडियंस को ज्यादा एक्नॉलेज नहीं कर रही है, क्योंकि वो बहुत ही बेयर मिनिमम एफर्ट डालते हैं हिंदी मार्केट में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। ऊपर से वाइड स्केल में रिलीज का भी ट्राई नहीं करते एंड उसमें भी अगर डबिंग अच्छी नहीं है तो फिर पूछो ही मत। एंड इसे शो करता है कि ये फिल्म मेकर्स हिंदी मार्केट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है, लाइक अगर फिल्म कलेक्शन करती है तो भी ठीक है एंड नहीं करती तो भी ठीक है। एंड यही ऐसे पैन इंडिया फिल्म्स के मेजर ड्रॉबैक है। अब मैं आपको प्रॉपर पैन इंडिया पैशन प्रोजेक्ट क्या होता है वो बताता हूं। सिर्फ टिल डेट 2 ही पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स आया है लेकिन एकदम पैशनेट वाले, जो कि बाहुबली फ्रेंचाइज एंड केजीएफ फ्रेंचाइज। एंड इन दोनों ही मूवी ने मेजर कलेक्शन किया है पैन इंडिया लेवल पर एंड इन दोनों ही फ्रेंचाइज के सक्सेस के पीछे कुछ मेजर रीजन है। सी एसएस राजामौली एंड प्रभास, इन दोनों के लिए बाहुबली उनका पैन इंडिया डेब्यू था एंड वो काफी पैशनेट थे इस फिल्म को लेकर। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। सेम प्रशांत नील एंड यश के लिए केजीएफ चैप्टर 1 उनका पैन इंडिया डेब्यू था एंड वो उतना ही पैशनेट थे उस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये दोनों फ्रेंचाइज की मूवी 2 पार्ट्स में रिलीज हुई है एंड इन दोनों एक्टर डायरेक्टर डुओ ने अपना पूरा फोकस अपने पैन इंडिया डेब्यूट पे रखा था एंड उस दौरान उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट किया नहीं, क्योंकि क्लियरली उनका डेडिकेशन शो करता है कि वो इस फिल्म को लेकर कितने सीरियस थे। एंड सेम डायरेक्शन में अल्लू अर्जुन एंड सुकुमार भी है अपनी पुष्पा फ्रेंचाइज के साथ। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। क्योंकि ये भी 2 पार्ट की फिल्म है। पार्ट 1 2021 में रिलीज हुआ था एंड पार्ट 2 इस साल दिसंबर में प्लान कर रहे मेकर्स रिलीज करने का। सुकुमार एंड अल्लू अर्जुन के लिए ये दोनों के लिए पैशन प्रोजेक्ट है, क्योंकि उनका पूरा फोकस इसी फिल्म पर है एंड वो लोग कोई और दूसरा फिल्म नहीं कर रहे इसके बीच में, बिकॉज वो लोग अपना पूरा एफर्ट दे रहे इसको एक बड़े स्केल पे बनाने के लिए एंड उसी लेवल का ट्रीटमेंट भी है फिल्म का। वही बाकी पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स में ये डेडिकेशन लैक करता है कि वो अपना पूरा फोकस एक ही प्रोजेक्ट में दे। सी अभी अगर सूर्या की बात करें तो सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगुआ, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है एंड 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है एंड अब तक फिल्म का फर्स्ट पार्ट रिलीज भी नहीं हुआ है एंड सूर्या ने दूसरी फिल्म शूट करना स्टार्ट भी कर दिया है। एंड ये फिल्म कंगुआ का पार्ट 2 नहीं है, ये कंप्लीटली डिफरेंट फिल्म है। एंड इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि आप अपने पैन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर कितने डेडिकेटेड हो एंड इसी वजह से यश एंड प्रभास जैसा स्टारडम अभी तक कोई भी और एक्टर अचीव नहीं कर पाया पैन इंडिया लेवल पर। बट अगर पुष्पा 2 वर्क करती है तो अल्लू अर्जुन भी सेम स्टेटस अचीव करेंगे एंड नो डाउट पुष्पा 2 के मेगा 1000 करोड़ का मार्क एम कर ही रहे होंगे बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि फिल्म को लेकर हाइप भी उतनी है तो 1000 करोड़ का कलेक्शन करना पॉसिबल है पुष्पा 2 मूवी के लिए अगर अच्छे से वर्क करती है तो। एंड यश की जो अपकमिंग फिल्म है टॉक्सिक, उसको लेकर भी हाइप काफी ज्यादा है एंड अब तक फिल्म का सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुआ है एंड इसका मेजर रीजन है कि यश अपनी फिल्मों को लेकर उस लेवल का ट्रीटमेंट रखते हैं कि मैं कुछ बना रहा हूँ एंड कुछ तगड़ा बना रहा हूँ। सेंस 1951 लाइक ऐसा नहीं कि ये मेरी बाकी फिल्मों जैसी फिल्म है तो आके देख लो, क्योंकि अगर आप ऐसा ट्रीटमेंट रखोगे कि इट इज माय जस्ट अनदर फिल्म तो कलेक्शन भी जस्ट अनदर फिल्म जैसे ही होगा। एटलीस्ट अपने पैन इंडिया डेब्यूट फिल्म को लेकर वो डेडिकेशन होना चाहिए ताकि लोग आपकी फिल्म को सीरियसली ले कि आप कुछ बना रहे हो एंड कुछ तगड़ा बना रहे हो, क्योंकि फिल्म्स तो कई सारी आती है एंड कई सारी फिल्में अच्छी होती है बट 1000 करोड़ का कलेक्शन कुछ ही फिल्म कर पाती है। ऐसा नहीं कि उन फिल्मों का कंटेंट ज्यादा अच्छा था इसलिए, बल्कि उन फिल्मों का ट्रीटमेंट भी उस लेवल का था एंड ये चीज सबसे अच्छे से एसएस राजामौली करते हैं अपनी फिल्मों का प्रेजेंटेशन। लाइक वो बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं तो उस लेवल का ट्रीटमेंट भी देते वो उस फिल्म को एंड यही चीज थलापति विजय की पैन इंडिया फिल्मों में लैक करती है कि पैन इंडिया लेवल पे उन फिल्मों का ट्रीटमेंट उस लेवल का नहीं होता था। एंड एज ऑफ नाउ सूर्या की कंगुआ मूवी का ट्रीटमेंट भी उसी लेवल का लग रहा है मुझे। सो आई होप वो इस चीज को टैकल करे एंड अपनी पैन इंडिया डेब्यूट मूवी को उस लेवल का ट्रीटमेंट दे ताकि ऑडियंस भी उस फिल्म को एज अ बड़ी पैन इंडिया फिल्म ही ट्रीट करे, नॉट जस्ट एनी अदर साउथ फिल्म जो कि हिंदी डब वर्जन में जस्ट रिलीज कर दी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये था मेरा एनालिसिस कि क्यों सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगुआ मुझे एक पैन इंडिया फेलियर लग रही है। बाकी अगर आप मेरे किसी भी ओपिनियन से डिसएग्री कर रहे हो तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना एंड मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो के साथ।